तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करूंगा 50 डेज, वो भी इस छोटे से आइलैंड पर। इस आइलैंड पर गाइज रिसोर्सेज के नाम पे बस दो ट्री है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक बस पानी ही पानी है। तो क्या हम ऐसे आइलैंड पर सर्वाइव कर पाएंगे? सो इसका आंसर है पता नहीं, बट वेट गाइज इस वीडियो के एंड तक आते आते तुम्हें इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। सो हो सकता है वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड ऐसी 100 डेज वाली वीडियो बनाने में गाइज लिटरली काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये जो मेरी वीडियो है ये काफी लेट आई है। सो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स। एंड ऑल्सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स। और हाँ, मैंने अपने लिए इस वीडियो में कुछ गोल भी सेट किए हैं। जैसे फर्स्ट गोल मेरा है कि मुझे एक मॉब एक्सपी फार्म बनाना है, सेकंड गोल है कि मुझे फुल डायमंड आर्मर में कवर होना है, एंड थर्ड गोल है कि मुझे अपने लिए एक घर बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर देरी शुरू करते हैं वीडियो मेरी। तो डे वन शुरू होता है और मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे वुड काटने लग जाता हूँ। वुड से सबसे पहले मैं एक एक्स और एक पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ, फिर वही नीचे डिग डाउन करता हूँ और मुझे नीचे स्टोन भी मिल जाता है, तो मैं फटाफट से थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं फटाफट से स्टोन के टूल्स में भी अपग्रेड कर लेता हूँ। तो इसके बाद मेरे आइलैंड पर जितनी भी घास होती है मैं उनको तोड़ता हूँ और उनसे मुझे टोटल 11 सीड मिलता है, तो मैं उनको आइलैंड के साइड पर ही प्लांट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं बचे हुए ट्री को काटता हूँ और उससे मुझे 16 सैपलिंग्स मिल जाते हैं, तो मैं उनको वापस से रीप्लांट कर देता हूँ ताकि हमें वुड की कोई कमी ना हो। तो इसके बाद गाइज रात को हमें कोई परेशान ना कर सके, इसलिए मैं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लग जाता हूँ। और फिर गाइज रात तक मेरी छोटी सी झोपड़ी एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद जो मेरे पास वुड होता है उससे मैं बना लेता हूँ थोड़े बहुत चारकोल, और चारकोल से मैं बना लेता हूँ बहुत सारे टॉर्चेस। और फिर मैं अपने आइलैंड पर बहुत सारे टॉर्चेस प्लेस करता हूँ ताकि उधर कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। फिर एक कंकाल के साथ मेरी बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है, पर पता नहीं कि मुझे उस कंकाल पर दया आ जाता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद मैं माइनिंग पर जाने का डिसाइड करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बाहर एक पुराना दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। तो थोड़ा सा नीचे जाते ही मुझे वहाँ पर कोल दिख जाता है, तो वहाँ पर जितना भी कोल होता है मैं उन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद गाइस मुझे नीचे बहुत सारा डर्ट भी मिल जाता है, तो मैं उन सभी डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इनसे मैं अपने आइलैंड को और भी ज़्यादा बड़ा कर पाऊंगा। और फिर डर्ट कलेक्ट करते करते मुझे वहाँ पर थोड़ा सा आयरन भी मिल जाता है। तो माइनिंग करते करते गाइस मुझे एक केव मिल जाता है, लेकिन उस केव से मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज का आवाज आ रहा था। तो फिर क्या था, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ, तो मैं अपनी तलवार निकालता हूँ और वहां से भाग जाता हूँ। तो जैसे मैं ऊपर आता हूँ मैं देखता हूँ कि सूरज चाचा भी निकल चुके हैं, मींस डे टू भी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास जितना भी आयरन था मैं उसको फटाक से स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ। तो इसके बाद बाहर आके मैं देखता हूँ कि हमारे बाकी के पेड़ भी ग्रो हो चुके थे, तो मैं उन सभी पेड़ों को काटने लग जाता हूँ। Eventually... तो पेड़ों को काटने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि एक अलग ट्री फार्म बनाने की। तो मेरे पास जो डर्ट होता है उससे मैं एक टेम्पररी ट्री फार्म बनाने लग जाता हूँ। और फिर डे टू के शाम तक मेरा टेम्पोरारी वुड फार्म बन के रेडी हो चुका था, तो मुझे जितना भी सैपलिंग मिला था मैं उसको वहीं पर प्लांट कर देता हूँ। तो इसके बाद जो मेरा आयरन स्मेल्ट हो गया था उससे मैं एक शील्ड, एक शवल और एक पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, और फिर डे टू की रात को ही लग जाता हूँ अपने आइलैंड से मिट्टी को क्लियर करने। तो मैं यहाँ पर काम कर रहा था कि वो कंकाल मुझसे बदला लेने वापस आ जाता है, तो मैं उसको एक फटका मारता हूँ और उसको वापस से छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा दयालु हूँ। तो डे थ्री को मैं देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पर दो चिकन और एक सुअर स्पॉन हुआ है, तो मैं उनको रखने के लिए एक अलग एरिया बनाने लग जाता हूँ। तो इसके बाद मैं जैसे अपने मुर्गियों को ले जाने आता हूँ तो एक बिल्ली मेरे एक मुर्गी को मार देती है, और वही मैं सोचूं मुझे इतनी देर से बहुत सारी मुर्गियों की लाशें क्यों मिल रही है। तो उस बिल्ली को उसके काम का इनाम देने के बाद मेरे पास जो इकलौती मुर्गी थी मैं उसको इस सीट का लालच देके ले जाने लग जाता हूँ। लेकिन भाई पता नहीं कि उस मुर्गी के साथ एक पानी वाला ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाता है, शायद वो पानी वाला ज़ॉम्बी अपने आप को मुर्गी समझ रहा था। तो इसके बाद मेरे पास चार अंडे भी थे, तो मैं उनको फोड़ के अपना लक ट्राई करने लग जाता हूँ। और मेरा लग गाइस बिल्कुल ही मेरे फ्यूचर की तरह था, एकदम बेकार। तो इसके बाद मैं अपनी मुर्गियों के बचे कुचे हिस्सों को उठाता हूँ और फिर उनको फर्नेस में पकने के लिए रख देता हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़े बहुत टॉर्चेस क्राफ्ट करता हूँ एंड मैं नीचे जाता हूँ माइनिंग के लिए। और इस बार मैं उस नीचे केव में जाने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इस बार शील्ड था, तो मुझे इस बार डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। और नीचे जाते ही गाइस मुझे बहुत सारा आयरन और बहुत सारा कोल भी मिल जाता है। तो इसके बाद मैं उस केव के थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ और नीचे मुझे बहुत सारा आयरन और कोल और भी दिख जाता है। तो मैं डे थ्री से लेके डे फोर तक बस माइनिंग ही करता हूँ और मुझे बहुत सारा आयरन और कोल मिल जाता है।
तो डे 4 को मैं माइनिंग से वापस आता हूँ और जो मेरे पास आयरन था मैं उसको स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ। तो इसके बाद मैं जैसे ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पर 3 सीप स्पॉन हुई है। तो मैं फटाफट से थोड़ा सा आयरन निकलता हूँ और एक शेयर बना के तीनों सीप से मैं वूल ले लेता हूँ और उन 3 सीप से लिटरली मुझे पूरे 9 वूल मिल जाते हैं। तो इसके बाद गाइज व्हीट कलर देकर मैं उन टेस्टी टेस्टी खानों को गाइज उन प्यारे प्यारे सीप्स को किडनैप मेरा मतलब था गाइज मैं उन प्यारे प्यारे सीप्स को उनके घर में जाके उनको रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास गाइज 2 बोन रखी थी तो मैं उससे बोन मील लगा के अपने क्रॉप्स को ग्रो कर लेता हूँ और फिर उनको तोड़ के मैं अपनी सीप्स को उनको खिला देता हूँ ताकि वो लोग अपनी तादाद को बढ़ा सके। और इसी बीच गाइज मेरा पूरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था तो मैं उससे फटाफट से एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ और फिर एकदम आयरन मैन की तरह अपना आयरन का आर्मर स्टाइल से मैं सूट अप करता हूँ। तो आप लोग बताओ गाइज आप लोगों को मेरा ये स्टाइल से सूटअप कैसा लगा। तो इसके बाद गाइज मेरे आइलैंड पर जितने भी पेड़ होते हैं मैं उनको काटता हूँ और फिर इसी बीच गाइज रात हो जाती है तो मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट करके अपने आइलैंड पर पहली बार चैन की नींद सोता हूँ। तो इसके बाद शुरू होता है डे 5 और डे 5 को सबसे पहले मैं अपनी झोपड़ी को रिमूव करता हूँ और अपनी झोपड़ी को रिमूव करने के बाद मेरे आइलैंड पर एक मिट्टी चोर आ जाता है और उस मिट्टी चोर ने मेरी एक मिट्टी भी चुरा ली थी। तो मैं उस मिट्टी चोर को उसी मिट्टी के ऊपर मिट्टी में मिला के अपनी मिट्टी वापस ले लेता हूँ और वो मिट्टी चोर जाते जाते अपनी एक आंख भी मुझे दे जाता है। तो इसके बाद मैं एक नई शवल क्राफ्ट करता हूँ और अब टाइम था अपने इस आइलैंड को एक शेप देना। तो यहाँ से मैं सारी सैंड को हटाता हूँ और फिर अपने इस आइलैंड को एक स्क्वायर शेप देने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे माइनक्राफ्ट में सर्कल बनाना नहीं आता। लेकिन इसका मतलब मैं नूब नहीं हूँ गाइस। नूब और पता नहीं गाइस कैसे बट मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था। तो इसके बाद मैं उस स्क्वायर को डर्ट से फिल करता हूँ और थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। The next day. तो डे 6 को भी मैं वही काम करता हूँ और फिर डे 6 की रात को मेरे आइलैंड का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। वेरी गुड। और इसी बीच मेरी एक स्केलेटन के साथ दोबारा फाइट हो जाती है और वो स्केलेटन मेरे एक शिप को मार देता है सो इसीलिए उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो डे 7 को सबसे पहले मैं एक तोते को टेम करता हूँ और इसी बीच एक ट्रेडर भैया मुझसे मिलने आते हैं लेकिन मैं उनको भगवान से मिलने भेज देता हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़े बहुत टॉर्चेस क्राफ्ट करता हूँ एंड मैं जाने लगता हूँ माइनिंग पर क्योंकि मेरे पास आयरन बिल्कुल भी नहीं था। और इस बार मुझे गाइस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी केव मिलती है और यहाँ से मुझे काफी सारा आयरन मिल सकता है। तो नीचे आते ही सबसे पहले मुझे दिखता है एक एमेथिस्ट जियोड। तो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स थे मैं इनको ले लेता हूँ बिकॉज इनसे हम बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर पाएंगे। और गाइस इसी बीच मुझे मिलता है मेरा पहला डायमंड। तो मैं जल्दी से अपने डायमंड्स को माइन करता हूँ और यहाँ से मुझे मिलते हैं टोटल 2 डायमंड और ये केव लिटरली गाइस काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन गाइस मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं था सो मैं केव के बाहर आ जाता हूँ। सो डे 8 को सबसे पहले मेरे पास जो एक आयरन था मैं उसको स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ ओशन में मछलियों का शिकार करने और फिर थोड़े बहुत मछलियों को मारने के बाद मैं उनको फर्नेस पे पकने के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद मैं एक आयरन की न्यू पिकैक्स क्राफ्ट करता हूँ और मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है तो इसीलिए माइनक्राफ्ट मुझे लात मार के निकाल देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसके बाद जैसे ही गाइस मेरा खाना कुक होता है मैं सीधा चला जाता हूँ वापस से माइनिंग पर और फिर डे 8 से लेके डे 10 तक मैं बस माइनिंग करता हूँ और बहुत सारा रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। तो डे 10 की रात को मैं माइनिंग से वापस आता हूँ और मुझे गाइस कुछ ये सारी चीजें मिलती है। सो आयरन को मैं लगा देता हूँ स्मेल्टिंग पर और फिर 2 चेस्ट बना के जो मेरे पास सामान था मैं सारा सामान चेस्ट में रख देता हूँ। तो डे 11 को सबसे पहले मेरे जो ट्री फार्म में जो पेड़ ग्रो हो गए थे मैं उनको काटता हूँ और फिर उनको वापस से मैं रिप्लांट कर देता हूँ और इसी काम को करते करते गाइस रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। The next day. तो डे 12 को सबसे पहले मैं व्हीट तोड़ के अपने जानवरों को खाना खिलाता हूँ और फिर मेरी नजर गाइस एक शिपरेक पर पड़ती है और फिर बोट लेके जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ मुझे यहाँ पर एक और रुइन पोर्टल मिल जाता है। भाई ये चीजें मुझे पहले मिलने चाहिए थी बट अभी मेरा ध्यान आ रहा है। तो शिपरेक के पहले जैसे सबसे पहले मुझे 80,000 के शूज मिलते हैं। 80,000 के शूज है 80,000 के और थोड़े बहुत व्हीट और एक लेगिंग्स मिलता है एंड दूसरे जैसे सबसे पहले मुझे एक ट्रेजर मैप एक कंपास और थोड़े बहुत फेदर्स मिलते हैं। तो मैं वापस अपने आइलैंड पर आता हूँ और जो मुझे व्हीट मिला था उसमें बहुत सारे ब्रेड्स बना लेता हूँ। सो इसके बाद गाइस मैं डिसाइड करता हूँ अपने इस आइलैंड पर एक मॉब एक्सपी फार्म बनाने का। तो इस मॉब फार्म को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा स्टोन चाहिए होगा तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक छोटा सा यहाँ पर गोबलस्टोन फार्म बनाऊंगा। तो मैं 2 वाटर बकेट क्राफ्ट करता हूँ और जाता हूँ अपने केव पर लावा लाने
और फिर गाइज यहाँ पर डे 12 से डे 22 की जो रिकॉर्डिंग होती है वो मेरे से गलती से डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर गाइज मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका था। सो गाइज मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझा देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। सो गाइज ये जो रिकॉर्डिंग थी ये डे 12 से लेके डे 22 तक, और ये गाइज पूरे 18 मिनट्स का रिकॉर्डिंग था। एंड गाइज अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, सो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो ध्यान से सुनना। सो मेरा जो गाइज फोन का स्पेस था वो एकदम फुल हो चुका था। सो मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग थी मैं उसको ना SD कार्ड में ट्रांसफर एक एक करके कर रहा था, और फिर गाइस जल्दी करने के चक्कर में मेरी जो वो 18 मिनट्स की रिकॉर्डिंग थी वो मेरे से गलती से डिलीट हो जाती है। तो इसके बाद गाइस मैं पूरा एक दिन लगा के उस रिकॉर्डिंग को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं गाइस बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे ऐप भी डाउनलोड करता हूँ और अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग थी वो वापस नहीं आती। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपना एक दिन इस रिकॉर्डिंग को वापस लाने में लगा दिया और रिकॉर्डिंग वापस भी नहीं आई। तो इतना बड़ा पार्ट गाइस डिलीट होने के बाद मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया था, तो इसलिए मैंने पूरा एक दिन वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड किया। मुझे लगा कि चलो छोड़ ही देते हैं इस रिकॉर्डिंग, और फिर पूरे दो दिन बाद गाइज मैंने वापस से इस सीरीज को कंटिन्यू किया, मतलब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है डे 23 से, और मैं डे 23 को माइनिंग कर रहा था। तो मेरे पास गाइज जो पहले के 10 डायमंड थे उनसे मैं एक पिक डायमंड की पिकेक्स एंड एक स्वॉर्ड बना लेता हूं, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। तो इसके बाद मैं माइनिंग से वापस आ जाता हूँ और मुझे टोटल 8 डायमंड मिलते हैं। तो इन डायमंड्स को और जो मेरे पास पहले के डायमंड्स थे उनको मिलाकर मैं अपने लिए एक चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स बना लेता हूँ। और मेरा जो मॉब एक्सी फार्म था वो भी एकदम रेडी था और बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रहा था, बट वीडियो डिलीट होने की वजह से मैं आप लोगों को वो पार्ट नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसके बाद गाइज मेरे जो वुड फार्म में पेड़ ग्रो हो गए थे मैं उनको काटता हूँ, और फिर डे 24 के शाम तक मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लिया था। सो इसके बाद डे 25 को पता नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट डे 26 से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास जो आयरन था उस समय एक आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर, क्योंकि मुझे अपना डायमंड का आर्मर कंप्लीट करना था। और फिर गाइज डे 26 से लेकर डे 30 तक मैं बस माइनिंग ही करता हूँ। तो डे 30 को मैं माइनिंग से वापस आता हूँ और इस बार गाइज मुझे मिलता है पूरे के पूरे 26 डायमंड, और हाँ डायमंड के अलावा भी मुझे काफी सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। और फिर गाइज रात भी हो जाती है तो मैं फटाफट से सो जाता हूँ। डे 32 को सबसे पहले मैं अपना बाकी का आर्मर क्राफ्ट करता हूँ, और इसी के साथ गाइज मेरा सेकेंड गोल्ड भी कम्प्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद गाइज मैं डे 13 को पूरे दिन बस टाइम पास ही करता हूँ। नेक्स्ट डे सबसे पहले मैं अपने टेस्टी खानों गाइज अपने प्यारे प्यारे जानवरों के लिए एक अलग सा एरिया बिल्ड करता हूँ। और फिर रात तक गाइस काम कंप्लीट हो जाता है, और फिर मेरे सारे जानवरों को उनके नए कैद खाने उनके नए घर में उनको शिफ्ट कर देता हूँ। और कुछ शीप्स गाइस यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है, इसलिए मैं उन सभी को इस चीज की सजा देता हूँ। तो इसके बाद मैं अपने पुराने फार्म को रिमूव करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। सो डे 33 को एक त्रिशूल वाले ज़ॉम्बी के साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, और फिर मैं जैसे ही उसको मारता हूँ वो लिटरली गाइस अपना त्रिशूल ड्रॉप कर देता है, और फिर वो त्रिशूल टूट ना जाए इसलिए मैं उसको चेस्ट के अंदर संभाल के रख देता हूँ। सो इसके बाद गाइस मैं एक न्यू वीट फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। और फिर डे 35 गाइस मेरा वीट फार्म रेडी हो जाता है, बट मैं उसको दिखाना ही भूल जाता हूँ। तो डे 35 को ही मैं अपने ट्री फार्म से सारे ट्री को रिमूव करता हूँ। एंड फिर गाइस डे 36 को मैं एक न्यू ट्री फार्म बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। और फिर डे 37 को मेरा ट्री फार्म का काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी खेती करता हूँ और फिर अपने जानवरों को खाना खिलाता हूँ। तो इसके बाद डे 38 की स्टार्टिंग में एक ट्रेलर भैया की बलि देके करता हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? एंड फिर डे 38 का इसमें बस छोटे मोटे काम ही करता हूँ। तो गाइस मेरे जो दो गोल्स थे वो तो कंप्लीट हो चुके थे, और अभी बस एक ही गोल रह रहा था जो कि अपने लिए एक घर बनाना। और मेरे पास गाइस ज्यादा टाइम भी नहीं था, सो डे 39 को मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अभी अपने लिए एक घर बनाऊंगा। सो इसके बाद गाइस डे 39 से डे 41 तक मैं बस सामान ही कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर इसके बाद अपना घर बनाने के लिए सारा का सारा सामान मेरे पास कलेक्ट हो जाता है। तो गाइस घर को मैं बिल्ड करना डे 42 से स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म एकदम रेडी है। सो अब बिल्ड करते हैं अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा हाउस। एंड गाइज आप लोग एंजॉय करो एक छोटा सा टाइम लैप्स।
सो इसी के साथ गाइस डे 50 को हमारा छोटा सा घर बन के एकदम रेडी हो चुका था। और अभी बस गाइस थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कर दूंगा। सो आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा देना। सो मैं मिलूंगा गाइस आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।